नमस्कार आज हम लोग उसने कहा था यह जो रचना है यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है यहाँ पर प्रेम त्याग बलिदान की एक मार्मिक कहानी की पृष्ठभूमि यहाँ पर प्रस्तुत हुई है मैं यह वीडियो आपको सारांश के रूप में सुनाऊंगा या वाचन करूंगा पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी साहित्य के एक महान कहानीकार व कला के उत्कृष्टतम साफ तौर से उनमें देखी जा सकती है वे द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार और बहुमूल्य विद्वानों में से एक हैं कहानी में कथ्य चरित्र जो कि कथा के साथ चरित्र का मार्मिक संवेदना की दृष्टि से मतलब एक अंतर आत्माओं को सम्मिष्ट करते हुए शिल्प और भाषा की उत्कृष्टता पूर्ण परिपक्वता नजर आती है यह कहानी अपने पुत्र के अत्यंत प्रतिभाशाली और सार्थक लेखक थे कहानी कला के परिपेक्ष में कल्पनाकार स्मरण शैली की कथा उसने कहा था कौतूहुल से परिपूर्ण है वे आदर्शवादी प्रेम कथा की गहराई का चित्रण के साथ साथ यहाँ पर उस प्रेम की कथा को भी बड़ी ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करते हैं कहानी का जो मुख्य पात्र है लहना सिंह हजारा सिंह बोधा सिंह कीर्तन सिंह बजीरा सिंह और सरदार इन पात्रों में लहना सिंह का चित्र ही केंद्र बिंदु बनकर कथा की आत्मा का बोध कराती है और इस कहानी में सरदारनी और लहना सिंह के जो प्रेमिक भाव है उसको बड़े ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत की गई है यह एक आदर्श कहानी है प्रेमी लहना सिंह और प्रेम का सरदारनी विवाह रहित होकर भी अपने हृदय से प्रेम का दीपक जलाती है वह दीपक कभी बुझने वाली नहीं है प्रेम के अतिरिक्त दोनों के बीच कोई भी शर्त नहीं है और ना ही कोई भौतिक लेन देन भी है यह एक संयोग है कि हजारा सिंह उस सरदारनी का पति है और बोधा सिंह उसका पुत्र दोनों सैनिक हैं युद्ध में दोनों देश सेवा के लिए युद्ध स्थल पर जाने को तैयार है सरदारनी जब लहना सिंह के से इस बात से अवगत होती है तथा उन दोनों की सुरक्षा के लिए उससे आग्रह करती है उसकी बातों में लहना सिंह भावुक उठता है जब उसके कहा कि तुमने मुझे घोड़े के पांव से कुचलने की संभावना को नाकाम किया था और तब इन दिनों की जान की सुरक्षा भी तुम्हारे जिम्मेवारी बनती है सरदारनी का कथन लहना सिंह के प्रेम के एहसास को और अधिक बल देता है लहना सिंह उनके दरवाजे पर अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में एक पेड़ लगा डालता है यदि उसके हृदय में प्रेम है तो उसके सुख और शांति के वास्तव पति पुत्र की रक्षा करना ही उसका कर्तव्य हो जाता है लहना सिंह का हृदय और मन अपने प्रेम को सुरक्षित करने हेतु कर्तव्यों के बंधन में बस जाता है लहना सिंह घायल होता है और अपने प्रेम कहानी को मित्र किरत सिंह और वजीरा सिंह से बड़े ही भावुक शैली में कहता है वह दम तोड़ देता है जीवन और मृत्यु के अंतराल में लहना सिंह ने उन कथाओं उन अपनी बीती हुई बातों को मानस पटल पर प्रस्तुत करता है उसने कहा था कि बिंब चित्रण होने लगा है किरत सिंह और वजीरा सिंह से अपने प्रेम कथा को सुनता है कथाकार गुलेरीजी उसी स्मरणात्मक कथाओं के कथ को कहने का प्रयास अत्यंत ही भावुक और प्रेमपूर्वक अपने किशोरावस्था में प्रेम का सात्विक रूप उसे गहन अनुभव किया सुबेदारनी ने दूसरी बार मिलने से उपरांत उनका प्रेम जिस गर्भ में डूबा हुआ था वह उजागर होता है सुबेदार घोड़े से मेरे प्राण जो बचाए थे और अब मैं तुम्हें अपने पति पुत्र दोनों को सौंप रही हूं आंचल पसार कर तुमसे यह मांगती हूं कि तुम इन दोनों की रक्षा करना लहना इस भी रूप कर्तव्य को अपने माथे पर चढ़ा लिया और अत्यंत भावुक होकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इसी प्रेम के लिए प्राण देकर भी यह सौदा करना पड़ा प्रेम अमर होता है प्रेम में ईश्वर वासना करते हैं और आध्यात्मिक प्रेम नश्वरता के समान है ऐसे प्रेम का संबंध त्याग बलिदान और करुणामय संसार की जो लहना के हृदय में इसी तरह का प्रेम अपने विस्तार की ओर बढ़ रहा था इसीलिए वह हजारा सिंह और बोधा सिंह की रक्षा करता है और स्वयं के प्रेम के नाम पर अपने आप की आहुति दे देता है इस कथा की मार्मिकता दर्शन प्रेम के जो नाद गुजती है वह इस संसार में इतिहास के पन्नों पर चित्रित हो जाती है तन से वह हजारा सिंह की है परंतु आत्मा से वह लहना की है ऐसा प्रेम बहुत कम लोगों को ही प्राप्त होता है अधिक आध्यात्मिकता ही होती है कि उन प्रेमों के भी प्रति कोई अपने आप को बलिदान करता है यह कहानी उसने कहा था किसने कहा था तो सरदारनी ने कहा था उसको बड़े ही भावुक और अपने कर्तव्यों के पालन करते हुए अपने प्राण की आहुति देकर लहना सिंह ने सरदारनी के पति और पुत्र की रक्षा करते करते प्राण की आहुति दे देता है इसलिए इस कहानी में हमें अपने कर्तव्यों के साथ भी बहुत ही मार्मिक और संवेदनाओं का भरा हुआ है जिस तरह पिता को पुत्र से राधा को कृष्ण से और मीरा को कृष्ण से था उसी प्रकार से यह प्रेम सरदारनी को लहना सिंह से था लेकिन वो आपस में कभी मिलते नहीं हैं लेकिन प्रेम अमर होता है यह अपनी सार्थक कहानियों के रूप में प्रस्तुत है जय हिंद जय भारत